दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों अगर आप अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं और नियमित रूप से आपकी जिंदगी में धन का आगमन बना रहे तो मैं दोनों उपाय आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अचानक से धन की प्राप्ति हो, अनएक्सपेक्टेड मनी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रयोग को दोस्तों आप रविवार की रात्रि में कम से कम 3 या 5 रविवार आप करिए, आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास में पैसा है तो आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, सब आपको मान सम्मान इज्जत देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। और यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको ना मान मिलेगा ना सम्मान मिलेगा। और पैसा एक ऐसी चीज है दोस्तों, एक ऐसी जरूरत है कि आपको अपने सपने सच करना है, आपको कोई भी काम करना है, आपको अपना परिवार चलाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखनी है, बच्चों की शादी विवाह करना है, बच्चों का भविष्य देखना है, तो पैसे की ही जरूरत पड़ती है। और किसी कारणवश से, किसी नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण या कुछ ब्लैक मैजिक या नजर हाई बद्दुआ की वजह से आपका यदि मनी ब्लॉक हो चुका है, लक्ष्मी का आगमन रुक गया है या पैसा अनएक्सपेक्टेड खर्च हो रहा है, तो ये प्रयोग दोस्तों एक बार जरूर आजमा के देखें। ये प्रयोग से दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक लेवल, मतलब एक सामान्य रूप से लेवल की पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। मतलब उड़ के नहीं आएगा, चल के नहीं आएगा, आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको धन प्राप्ति के साधन मिल जाएंगे, आपके वैसे काम बनने लगेंगे कि जहां से आपकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो जाएगा, है ना। मेरे कोई भी वीडियो होते हैं दोस्तों तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ रेमेडी करने से पैसे आते हैं। जो व्यक्ति कर्म करना जानता है सिर्फ वही इस उपाय को करे कि आपको धन प्राप्ति के साधन मिलेंगे, है ना। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उससे बल्कि ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, आपका भाग्य, आपका गुड लक आपके साथ रहेगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी नौकरी है तो नौकरी में सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, व्यापार है तो व्यापार चलने लगेगा, कस्टमर्स आने लगेंगे। मतलब कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। तो एक उपाय जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, ये आप रविवार की रात्रि में सोते हुए करेंगे, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से कितने लोगों को लाभ प्राप्त हो, कितने लोगों का भला हो जाए, तो अच्छा काम है, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो रविवार की रात्रि में दोस्तों इस प्रयोग को हर कोई कर सकता है, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है, महिलाएं, वृद्ध पुरुष सभी कर सकते हैं, अशुद्धि की हालत में इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो महिलाएं ध्यान दें, अशुद्धि की हालत में इस प्रयोग को नहीं करेंगे। एक गिलास आपको दूध लेना है, अगर कच्चा दूध लेते हैं तो बेस्ट है और गाय का दूध लेते हैं तो और भी बेस्ट है। अगर नहीं मिल पा रहा है गाय का तो कोई सी भी मतलब भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। आपको रात में सोते समय इस दूध को अपने सिरहाने रख लेना है। सिरहाने रखने के बाद में दूसरे दिन सुबह सोमवार को सूरज उगने से पहले, सूर्य उदय से पहले बिना नहाए धोए इस दूध को ले जा करके, और आपको बबूल का जो वृक्ष होता है, किंकर का वृक्ष, इस पर आपको इस दूध को जड़ में इसको डाल देना है और प्रार्थना करनी है कि आपकी जिंदगी में धन संबंधित परेशानी दूर हो। 3 या 5 रविवार आप इस प्रयोग को करिए, आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी और छोटी नहीं बड़ी मात्रा में होगी, अगर आपने कंटिन्यू सच्ची लगन से इस प्रयोग को कर लिया तो। अब दूसरा प्रयोग दोस्तों जो आपको सोमवार के दिन में करना है, ठीक है। महादेव की शक्तियों से आप सभी वाकिफ हैं, औघड़दानी है, सोने की लंका रावण को दे दी, धन का पात्र कुबेर को दे दिया, मतलब जो भी इनके सामने अगर जाता है तो महादेव ये नहीं सोचते हैं कि इसको दें कि ना दें, बस कोई मेरे द्वार में आया है तो मुझे इसको देना ही है, है ना। तो एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग आप करिए। दोस्तों आपको करना क्या है,
घर से आपको जल मिश्रित, जल में दूध, कच्चे दूध मिला करके और इसमें अक्षत यानी कि चावल, चावल डाल देने हैं, अखंडित चावल डालने हैं आपको। चावल एक एक दाना देख लें कि कोई भी दाना आपका जो हो खंडित ना हो, ठीक है। अक्षत का मतलब क्या होता है? कभी भी क्षय ना होने वाला। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, धन की बरकत होगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी आपके। तो घर से ही जल लेना है, कच्चा दूध मिला लेना है, अक्षत यानी कि चावल डाल लेना है, और यदि समी पात्र मिल जाता है तो और भी बेस्ट है। समी पात्र को आप क्या करें, थोड़ी सी शहद में डिप कर दें और इसी जल में डाल दें, और एक बेलपत्र या फिर 11 बेलपत्र और या फिर 21 बेलपत्र आपको ले लेनी है। आपकी जो भी मतलब की श्रद्धा है, एक से लेकर के 21 बेलपत्र आप ले सकते हैं, और सभी में आपको चंदन से ओम लिख देना है। और इन सब चीज, और एक दिया ले लें आप, ठीक है, घी का दिया ले लें और शिव जी के मंदिर में चले जाएं। वहां पर जाकर के आपको सबसे पहले अगर मंदिर में बैठकर के अगर ये पूरी क्रिया कर लेते हैं तो ठीक है, सबसे पहले शुक्री मुद्रा लगा लें, दोनों हाथ घुटने में रखें, गायत्री मंत्र पढ़ें, अंदर सांस खींचें, ठीक है, जहां सांस की लिमिट खत्म होती है 10 सेकंड के लिए रोकें, सांस को बाहर छोड़ दें। उसके बाद में ये प्रयोग आप 7 से 11 बार प्राणायाम करें, इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, आंतरिक एनर्जी जो होगी एक्टिवेट होगी, तो इससे आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर बाद में ये जल जो आपने लिया, पहले घी का दिया जला दें, अगर हो सके तो सफेद पुष्प अर्पित कर दें महादेव को, ठीक है। उसके बाद में जल की धारा लगाएं, जल मतलब कि जल की जो धारा लगाएंगे, जल की धारा लगाते हुए एक मंत्र का जाप करना है आपको, ओम शोम सोमेश्वराय नमः, ओम शोम सोमेश्वराय नमः, ओम शोम सोमेश्वराय नमः, ये बोल करके जल की धारा अर्पित कर देंगे, ठीक है। अब जो बेलपत्री लेके गए थे आप, आपने एक ली है, 11 ली है, 5, 7, 21 जितनी भी ली है, तो एक बेलपत्री उठाएंगे और ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू, ये बोल करके बेलपत्री उल्टी चढ़ा देंगे। फिर से दूसरी बेलपत्री उठाएंगे, ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू, ये बोल करके बेलपत्र अर्पित कर देंगे। अब आपको वहीं बैठ करके शुक्री मुद्रा लगा करके 108 बार, अगर रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है तो ठीक है, नहीं तो दोनों हाथ से शुक्री मुद्रा लगाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम शोम सोमेश्वराय नमः, ओम शोम सोमेश्वराय नमः। दोस्तों इस प्रयोग को आप 7 सोमवार तक या 11 सोमवार तक कंटिन्यू कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी धन संबंधित परेशानी, आर्थिक तंगी से जूझ रहे, तमाम प्रकार की तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। साथ में किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है वो आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। किसी भी मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, परेशानी से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। ये प्रयोग दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है, आपकी आर्थिक समस्याएं इससे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अगर इस प्रयोग को आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपकी जिंदगी में धन का उतना ही प्रभाव बढ़ता जाएगा। जब ये प्रयोग हो जाता है तो महादेव से विनती करें कि आपके दुर्भाग्य जो है, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़े, और साथ में जिस भी कारण से आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह रुका हुआ है तो इस सारे संकटों को भगवान महादेव दूर करें, उनसे हर बार प्रार्थना करें। इस प्रयोग को आप शिवलिंग पे करेंगे, मतलब कि शिव मंदिर पे करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बस विश्वास के साथ में करिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, और जैसे कि वीडियो के लास्ट में हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशन देता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा बोलें, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। बस पॉजिटिविटी पे फोकस रखें और हमेशा अपनी जिंदगी से प्यार करें, सेल्फ लव करें। प्रकृति को यदि आप पॉजिटिविटी देंगे तो खुशियां आएंगी, जिंदगी से शिकायत करेंगे, भगवान से शिकायत करेंगे तो आपकी जिंदगी में तकलीफें आएंगी। तो कभी भी जो भी चीज आपके पास में ऑलरेडी पहले से है उस चीज को लेकर के ग्रेटफुल रहें, आभार व्यक्त करें, इससे आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं, कुदरत आपको खुशियां देती है, क्योंकि कुदरत का नियम है जो भी आप बीज बोएंगे वही आप काटेंगे। तो क्यों ना पॉजिटिविटी दी जाए कुदरत में, पॉजिटिव चीजें भेजी जाए अपने थॉट्स के जरिए। हमेशा पॉजिटिव रहें, उन चीजों पर फोकस करें जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, उन चीजों पर नहीं जो आपके वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में तकलीफें चल रही हैं तो इसका मतलब वक्त बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है, ये वक्त भी टल जाएगा। तो आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। अगर आप नेगेटिविटी पे यानी कि अगर अपनी दुख तकलीफों पे फोकस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी तकलीफों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन चीजों को इग्नोर करके और पॉजिटिविटी पे, जो चीज पाना चाहते हैं उस पर फोकस करिए, तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए,
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।